हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज हम आए हैं गुफा वाले बाबा पे। और मुझे बहुत साल हो गए हैं, मैं यहाँ पे शादी जब से हुई है 17 साल शादी को हो गए हैं और दूसरी बार आई हूँ। वरना शादी से पहले तो हम आते रहते थे यहाँ पे। तो कहते हैं ना, जब बाबा को बुलाना होता है तभी बुला लेते, एकदम से अचानक हो गई, लोग आ रहे थे तो फिर मैं भी आ गई। मैं चलो दर्शन कर लेते हैं। और बस इस तरह से हम यहाँ आए थे। और काफ़ी चेंज हो गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। पहले तो बहुत मतलब भीड़ तो होती है संडे, उसमें मंडे को तो बहुत भीड़ रहती है, संडे भी बहुत भीड़ रहती है। तो यहाँ की बहुत मान्यता है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, बच्चे तो मेरे पहली बार ही आए थे यहाँ पे। तो हमने बस माथा वगैरह टेका और बहुत मतलब मुझे तो मतलब भूल गई, पहले कुछ अलग टाइप से गुफा वाले बाबा थे, अब कुछ अलग हो गए, काफ़ी चेंज आ चुका है यहाँ पे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गुफा वाले बाबा के। ये हैं गुफा वाले बाबा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं आज यहाँ आई थी। तो कहते ना, वो जब बुलाना होता है बाबा को, जब भी बुलाते हैं तो बस वो टाइम आ जाया था। तो चलो, इन लोगों के बहाने मैं भी आ गई क्योंकि माँ ही का बर्थडे था, तो उनको दर्शन, क्योंकि वैसे तो कथा होने वाली थी तो कुछ पढ़ रहा था तो कथा नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए फिर गुफा वाले बाबा पे आए थे दर्शन के लिए, उसको भी दर्शन कराने के लिए। और ये मैं चद्दर चढ़ा रही हूँ, चढ़ी नहीं पा रही थी क्योंकि ऊंचाई काफ़ी थी उनकी, तो बहुत मुश्किल से चढ़ पाई थी। तो बस, और इनको भी बोला था मैंने, ये आए नहीं थे, इन कह रहे नहीं तुम लोग हो आओ, वरना मुझे था ये भी आ जाते तो सही रहता, जल्दी जल्दी तो आया नहीं जाता। तो बस ऐसे करके हमने यहाँ पे दर्शन किए थे। और बस, और हम सब लोग यहाँ पूजा वगैरह कर रहे हैं और ऐसे करके। और काफ़ी बहुत ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था एकदम से, जैसे गर्मी थी ना तो उस हिसाब से लग नहीं रहा था बिल्कुल भी, और काफ़ी हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो बस यहाँ पूजा वूजा करके हम लोग फिर चलती थी क्योंकि सुबह के टाइम हम यहाँ आए थे। और उसके बाद में फिर जाने के बाद थोड़ी बहुत रेस्ट किया और उसके बाद फिर बर्थडे की तैयारी की थी। तो कैसे कैसे मैंने प्रिपरेशन करी थी आप लोग ज़रूर देखना आगे आगे। और ये वीडियो बर्थडे का काफ़ी लंबा है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाओ। तो इसमें प्रिपरेशन की तैयारियाँ हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में बर्थडे हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो देखना और वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करा करो। और मेरे इंस्टाग्राम पर आप मेरा चैनल आप फॉलो कर सकते हो, तो मैं वहाँ रील्स डालती रहती हूँ और मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी उस पर मेरे ग्रो होता जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हो, अगर इसको चैनल तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस ऐसे करके फिर जब हमने पूजा कर ली फिर हम लोग यहाँ से चल दिए थे। और बाहर बस इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना यहाँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा था लेकिन बाहर काफ़ी तेज़ धूप थी। और बस सुबह को बस नाश्ता वगैरह करके मैं तो आ गई थी, लोगों ने नहीं खाया था क्योंकि इनको को प्रसाद चढ़ाना था, तो बस ये लोग जाके खाएंगे। तो दोपहर ही ऐसी हो गई थी, तो बच्चे हम लोग सब नाश्ता करके आ गए थे। तो चलिए, आप लोग देखते रहिए और बने रहिए पूरी वीडियो में।
बाय। ये तो भूखा पड़ा। क्या ले तू यूरो दिया? फिर भी आपने आ रहे थोड़ा आगे आ जाओ। मैंने टीशर्ट फिर भी आपने आ रहे थोड़ा आगे आ जाओ। लेजर को वीडियो में आओ। तू पकड़ रहा था काम ही करवा रहे तेरी कहां से लेके सारे गायब हो गए। नीचे बैठ जाओ भाई के साथ। नीचे बैठ जाओ। अरे मेरे को काम मत करो यार। खड़ा हो रहा था। खड़ा हो रहा था। ये बढ़िया माजी का हाथ लगा। ले माही हाथ लगा किस पे? हाथ लगा ठंडी अच्छी लगती है। फिर तो
उन्हें किस इसमें ना करके मैं तबियत ले आई हुई तो वैसे ना पता चलेगा कुछ भी, तुम देखो ना तुम्हें पता चलेगा। ठीक है क्या वो डाली थी इसमें मलाई डाली थी हैं गोले का पूरा तो उससे क्या हो जाता है मलाई का टेस्ट आ गया। अच्छा गोला पीस के मतलब कस के वही गोले हाँ वो गोला आ गया देखो ना बैलून बैलून कितने फुला दिए बच्चों ने बन गई वाओ कलाकंद मेरे के लिए जी हो रहा तेरा पूरा देख इस वो निकाल दो पहले भगवान जी की हाँ बोल लिया खिलाऊं कटोरी निकाल दो माँ की आत्मा ऐसी हो देख जम ये सही जम गई ये तो बहुत पतली थी देख माँ की आत्मा ऐसी हो अब बिगड़ गई उस टाइम पे अच्छा। जब दोबारा पानी डाल के करी मैंने तो बस इसमें ये पतली सी रहने दो चाहे इसको है ना और भी वो पहले कैरी हो चुकी थी कैरी हो के जब नहीं मतलब एक तार की चाशनी बना के तभी तो माँ मिला दोगे तार की चाशनी हाँ तो फिर तभी माँ मिला दो तो उसको फिर गाढ़ा नहीं करते नहीं फिर उसे बस चलाते रहो थोड़ी देर के लिए हाँ बस तुरंत तोड़ दो ये पता क्या है ये बुरा के अच्छे होने हैं चीनी के मैं पानी के अंदाज नहीं लगता अच्छा अब उसमें जो ना वो करोगे ना तुम उसमें डालोगे थोड़ा सा गोले का बुरा था और डल जा पतली दिख है तो उसी में चलाते रहो कढ़ाई में जा उसमें डालो इसमें ड्राई फ्रूट हो रही थी ना छिप बनती ना अरे ड्राई फ्रूट उसकी हो रही है यहाँ तो वैसी बन गई अभी सारी मेरी है ना ये इसके ऊपर आता है ये जो है इसकी झल्लर इसके ऊपर आता है सारा लिखा हुआ नहीं वो तो अलग अलग कलर आते हैं ना सिल्वर गोल्डन वाला पीछे पता है तू गोल्डन लाया तो पिंक कलर का लाता पिंक कलर का वो लड़कियों का आ रहा ना वो उसमें हैप्पी बर्थडे का और पिंक आता है वो तो हटवा ऊपर से वो तो हटवा ले कम्बल अब वो बॉर्डर कहाँ लगाएगी बॉर्डर ऐसे लगेगी जो ऊपर लगा के जो नीचे से ऐसे आए ऐसा डिजाइन बन रही हो बस देख ऐसे करवाइए कुछ उसको बोतल को ऐसे यूं लगवा के सिरछी और ऐसे यूं बन रही है डिजाइन से बने बैलून्स का हां मुझे पता है ठीक है मुझे पता है रुको थोड़ा सा साइड में लेफ्ट में थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे ले बस बस थोड़ा लेफ्ट ऐसा ही है बस चिपका दो अब बटन लगा दो इसे वो नहीं थी बांधने के लिए वो नहीं है रिबन नहीं है इसके अंदर नहीं ऊंचा सा लगवाई हो जो है ना बोतल तूने गड़बड़ कर दी जी डोई जो झल ना लंबी वाली सिल्वर लाता कॉम्बिनेशन ऐसा बनता सिल्वर और गोल्डन का कॉम्बिनेशन था ना सिल्वर और गोल्डन का कॉम्बिनेशन तब बढ़िया लगता बॉटल में बता तो रही हूँ यो लियो और बैलून का यू डिजाइन बनाइयो ऐसे करके डिजाइन आएगा जैसे निकलते हुए बैलून आते हैं इस टाइप से उसमें डिजाइन गूगल पे सारे ऐसे ही हैं तिरछा करके लगेगी तिरछा उसको ना मैं डाल सारे बनाने सारे
और यहाँ पे सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सारा मतलब इसको देख रहे हैं कैसा अच्छा लग रहा है कैसा नहीं। और काफ़ी टाइम लग गया था सब चीज़ों को करने में, क्योंकि वही ना घर में कुछ भी डेकोरेशन कराओ तो 4-5 घंटे तो को नॉर्मली होते हैं, और बच्चों ने इतने टाइम पूरा बैलून फुलाने में लगे रहे, फिर उसके बाद इन सब चीज़ों में लगे रहे, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो सब लोग लगे हुए थे किसी ना किसी चीज़ में काम करने। हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, अभी तैयार होगी वाली में थोड़ी पहनेगी।